अमृतपाल ते उन्हां दे साथियां नूं जेल विच खत्म करन दीआं हो रहीआं कोशिशां पिछले दिन ही वायरल होई सी मंत्री बाजे के दी आडियो ते हुण जेल विचों होर भी सिंघां दे आ रहे ने फोन। आ गई है वड्डी खबर सामने। भाई अमृतपाल सिंह दे वकील इमान सिंह खारा ने एक वीडियो जारी करके वड्डियां गल्लां कहीआं ने ते दस्सिआ है कि उन्हां नूं जेल विचों सिंघां दे फोन आ रहे ने ते इमान सिंह खारा ने कहा कि अमृतपाल सिंह ते उन्हां दे साथियां नूं जेल विच खत्म करन दीआं कोशिशां हो रहीआं ने। उन्होंने जेल प्रशासन ते सरकार ते वड्डे इल्जाम लाए ने ते की कहा इमान सिंह खारा ने तुहानू सुनाउने आ ते तुहाडे इस बारे की विचार हन कमेंट बॉक्स विच अपने विचार सांझे जरूर करियो जी। जो प्रधानमंत्री बाजे के दी जो वीडियो जो एक सामने आई है ते मैनू जो जेल विच कॉल्स भी आईयां सी जिन्ने भी आगू ने वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे असाम जेल डिब्रूगढ़ विखे उत्थों सानू ये पता लग्या भी जो आगू ने वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे उन्हां दी जो लाइफ नू उत्थे एक थ्रैट जो उत्थों दा जेल प्रशासन जो पंजाब सरकार दीआं डायरेक्शनां नू मन्नदा है वह उन्हां नू जो उत्थे सही हैल्थ फैसिलिटीज़ है वह नहीं दे रहे। उन्हां दा कोई टैसट कराउणा वह नहीं जो सिरे सिर हो रहा। उन्हां नू जो कोई प्रॉब्लम है दवाइयां ने वह जो गलत फलत दवाइयां ने वह उन्हां नू दित्तियां जा रहीआं। जे असी मानयोग हाईकोर्ट विखे जाने तो उत्थे जो पंजाब सरकार एफीडेविट दायर कर दिंदी है असी तां जी टैसट करा रहे हैं इन्हां दा असी तां जी इन्हां नूं दवाइयां दे रहे हैं उत्थे मानयोग अदालत विच इह गल आख दिंदे ने। पर पिछे जे उन्हें टैसट हुंदे ने रिपोर्टां हुंदियां ने उह तुसीं लै लो दो दो तीन तीन महीने हो गए ने उन्हां दे रिपोर्टां ही नहीं आईयां अजे तक। उन्हां नूं बड़ी ज़्यादा एक हैल्थ दे पक्ष तों एक दिक्कत दा सामना करना पै रहा। सानूं इह लग रहा भी बड़े ही ठम्मे दे नाल स्लोली उन्हां नूं जो है खत्म करन दा तरीका उन्हें एलीमिनेट करन दा एक जो रूप जो एक पंजाब सरकार ने इख्तियार कर लिया है जो दिबड़ूगढ़ जेल प्रशासन नाल रल। इत्थे मैं एक जो सरकार नूं क्वेश्चन पूछना चाहवांगा भी की वह जिहड़े उत्थे नौजवान सिख नौजवान बैठे ने वह तुहाडे आपदे नहीं हैगे। जिहड़े अमृतसर जेल च बैठे ने वह तुहाडे आपदे नहीं। जिहड़े जलंधर जेल च ने वह तुहाडे आपदे नहीं। कि जिहड़ी सरकार आ तुसीं पंजाब नूं ही आपदा नहीं समझदे। क्योंकि मैं तो यह समझदा भी पंजाब च इस समय किसी सिख का नहीं किसी पंजाबी का राज नहीं। यह तो यमुना तो पार वाले का राज है जां कामरेडां का राज है। पंजाब दे विच किहड़ा कोई इंसाफ है। इत्थे जेलां दे विच बैठिआं नूं जो मारन दीआं जो कोजियां चालां चलीआं जा रहीआं। जे जिवें प्रधानमंत्री बाजे के ने आख्या ते बाकी सिंघां दा वी फोन आया सी जेल तों भी जे सानूं कुछ हुंदा है तां इस लई जिहड़ा पंजाब दा मुख्यमंत्री है जिहड़े पंजाब सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार आ वह जिम्मेवार होगी। कौन जवाबदेही होगा फिर उस तो बाद इतों तक उन्होंने तुम ला लो तीजा एक्सटेंशन ला दिता नौ महीनों तक एक्सटेंड कर दी। कोई उन्हें जान के दूजे केसा के अरैसट नहीं पा रहे उन्होंने भी असं इन्हों तो वो पंजाब सरकार इन्हों अंदर रखना चाहती है कि क्योंकि जे कि पंजाबियों की सिखा की सरकार होंगी साढ़े ना वितकरा नहीं होना साढ़े नाले जो ये मतरेई माँ वाला सलूक कर रही है पंजाब सरकार क्योंकि है ही बेगाने ये साढ़े आपदे हो ही नहीं सकते। इन्हों की सोच साड़ी आपदी तो यही मेरी जो लोगों के जो मैं बेनती करदा भी आप सोच विचार करिए इन्होंने मुद्दों के उपर।